नमस्ते जी, और कैसे हो? और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब हो गई है शाम की टाइम और अब आ गए हम छत पर, क्योंकि नीचे चाय वाय पी के और गुड़िया सो रही थी तो थोड़ा हम सोचे चल हवा खाते हैं ऊपर। तो बच्चे बात कर रहे थे नीचे तो हम ऊपर आ गए, तो चलो थोड़ी देर बैठे आराम से। थोड़ा सही होता है कई बार की चलो छत पर घुमाते हैं अकेले। और इनसे कई दिन से ही मेरे साथ आ नहीं रहे थे वीडियो में, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, डाउन सी, तो आ भी नहीं रहे। तो वो बहू वगैरह होती है तो ये साथ में होते भी नहीं है। तो अब बच्चे नीचे थे तो हम थोड़ी देर छत पर बैठ गए, तो साफ सफाई करने आए थे तो बातें करने लग गए थे। और आप लोगों से भी बातें करनी थी, आपने हमारा बहुत सपोर्ट करा है और हम बहुत खुशी हो रही है। और आपकी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ, इस मुकाम पर पहुँचा है आप लोगों ने। और आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो भी ब्लॉग बना रही थी मतलब उसमें उनको सफलता मिली, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ, तो मुझे भी बहुत खुशी है, आपको भी बहुत खुशी होनी चाहिए। तो उन लोगों ने करवाया, भगवान की कृपा है। आगे भी इसी तरह से आप साथ देते रहें और ये इसी तरह से मेहनत करती रहेंगी, ब्लॉग बनाती रहेंगी। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हमें इस तरह से बैठ कर सारे घर वाले पढ़ते हैं। बेटा को भी बहुत खुशी हो रही है, बेटा ना पहले नहीं देखता था, ऑफिस का काम होता है तो हमारा इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब रात को ही पढ़ता रहता है आपके कमेंट, तो बहुत अच्छा लगता है उसको भी। और बेटी भी बहुत सपोर्ट कर रही है, आप जैसे कर रहे हो इस तरह से बेटी बहुत सपोर्ट कर रही है। बेटी जवाई दोनों, सीमा भी मेरा अगर नहीं बनाती एडिटिंग, सीमा की है पूरी, वही करती है सारा काम, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है इस तरह, सीमा का सपोर्ट मिल रहा है मुझे कि सारी उसने वीडियो उसी ने हिम्मत दी थी मुझे, और जमाई ने भी दी थी, वो भी कह रहे थे कि बनाओ आप, उन्होंने बहुत हौसला दिया। मतलब वो बोलते वैसे कम है लेकिन हौसला बहुत, वो मतलब हिम्मत बहुत देते हैं, इनको भी मुझे भी कहीं भी कोई काम में हाथ देते हैं हम, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि ये तो बस पहले हो जाएगा, चिंता ना करो, बिल्कुल बोलते हैं हो जाएगा। हम वो पहले विचार नहीं करते, फटाफट काम कर देते हैं। तो इस बात में हम बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक बेटा है, मैं सोचती थी एक बेटा है, लोगों को कहीं होता है ना कि दो है, तीन है, चार है, लेकिन मुझे अब दो बेटा हो गए मेरे। मैं जवाई भी कोई मेरे को जवाई नहीं, बेटा जैसे ही है, बिल्कुल बेटा है, बेटे से भी ज्यादा करते हैं, बेटे से भी ज्यादा करते थोड़ा हैं। सा कुछ घबरा जाएंगे, कुछ हो जाएगा, और मैं तो गुस्से में ऐसे मतलब कुछ होता है जैसे नहीं आते हैं या बोलते नहीं है, तो मैं तो ऐसे बोल देती हूँ जैसे बेटे से बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि बेटे में जवाई में कोई फर्क नहीं है, बहुत सपोर्टर है, बहुत सपोर्टिंग करते हैं हर काम में, घर का काम हो, बाहर का काम हो, किसी भी तरह का काम तो बहुत बोलते हैं वो कि पापा तो पहले सोचते रहेंगे और फिर बाद में करेंगे, मतलब घबरा जाते हैं कई काम में। अभी जयपुर मकान लिया तो आज उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत दी, क्योंकि इलेक्शन थे उस टाइम तो पेमेंट करने की दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, दिल्ली से लाने की ले जाने की पेमेंट की दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने बोला आप ले तो सही, पसंद करो, पैसे सब हो जाएंगे, सब मतलब हिम्मत दी उन्होंने, तो सब उन्होंने हमको दिल्ली पहुंचा दी, जयपुर पहुंचा दिया। तो सारे काम कर देते हैं ऐसे कि मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि घबराओ मत, कुछ नहीं होता, तो ऐसे मतलब बहुत हिम्मत देते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसा। तो जवाई को मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं है, बेटा बाहर रहता है तो हम दिल्ली रहते थे, ऐसा लगता था कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेटा है पास में, और कभी भी कोई भी जितना बेटी नहीं करती इतना चिंता वो कर देते, जरा से कुछ कह देती वहाँ चलना है आज, तो पहले वो भूलेंगे नहीं बेटी, फिर भी भूल जाएगी, लेकिन वो नहीं भूलते कि हाँ मम्मी कह रही थी ना वहाँ चलना है, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो लोग कहते हैं कि जवाई में उसमें फर्क है, लेकिन कोई फर्क नहीं होता, बहुत अच्छे हैं और भगवान करे सबको ऐसे मिले। अच्छा है मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मतलब जैसे बहुत जैसे कुछ कहते हैं कई बार कोई दिक्कत आ जाती है बेटा, क्या हो जाता है थोड़ा दोनों तरफ को हो जाता है, थोड़ा सा बच्चे की होती है, लेकिन अभी तक तो भगवान की दया से परिवार सब बहुत अच्छे हैं, बेटा सब कुछ अच्छे हैं, और बेटिया हमारी गुड़िया हुई है, तो अब तो उसी में लगे हुए हैं, कोई थोड़ी बहुत टेंशन भी होती है तो भूल जाते हैं, बस उसी में लगे रहते हैं। और मतलब आइए आठ नौ दस दिन हो गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कब दिन निकला कब छिप गया, वो तो अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ी देर हम ऐसे आके बैठ गए, मैंने उसी में लगे रहते हैं, बस वॉकर में घूमती रहती है, अब थोड़ी थोड़ी वैसे भी चलने लग गई है। और कहीं पर किसी के कमेंट आया था कि आप मतलब इस एज में बना रही हो अच्छा नहीं है, वो नहीं है, भाई मेरे ऐसा है इस एज में अगर हम घुट घुट के मर जाएं, आप चाहते हो कि हम घुट घुट के मर जाएं? मतलब हमारी भी कोई वो होती है, हमने बच्चे पाले थे, बच्चे मतलब एक स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, शादी करी, उसके बाद बच्चे अपने अपने चले गए अपने अपने घरों में, अपनी बेटी ससुराल चली गई, बेटा बहू को लेकर चला गया, तो क्या आप चाहते हो कि हम घुट घुट के मर जाएं? हमारी कोई खुशी नहीं है? तो आप लोग मतलब ये ऐसे कैसे कह दी कि आपकी जैसे एज में तो घर बैठना चाहिए, ऐसा कुछ घर पे बैठे बैठे मैं काम कर रही हूँ, और एम ए बी ए करके नहीं करती जो काम मैं कर रही हूँ, और मतलब ठीक है 50-55 साल की उम्र कोई उसमें नहीं आते, सिटीजन में नहीं आते, समझे?
तो आप लोग जिसने भी जो कमेंट करते हैं ना ऐसा कि मतलब ऐसे एज में का वो काम नहीं, वो यूट्यूब पर नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो क्या आपकी बहन माँ 50 साल के हो जाएंगे, आप 50 साल के हो जाओगे जो जिसने भी कराया, तो क्या आपको बिल्कुल दुनिया त्याग देनी चाहिए, छोड़ के मतलब संन्यास ले लेना चाहिए, हरिद्वार बैठ जाना चाहिए जाकर 50 साल की उम्र में कि भाई ठीक है मतलब 50 साल की उम्र होगी अब हमें कोई काम कर नहीं रहा तो हरिद्वार जाके बैठ जाओ या मर जाना चाहिए ऐसे इंसान को कि भाई 50 साल। हाँ हाँ 50 मैं आपको मेहनत कर रही हूँ ना, मैं घर चला रही हूँ, मेरे घर के बच्चों को पाले मैंने, घर चला रही हूँ, खाना बना रही हूँ, झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ, मेरे झाड़ू पोछा वाली भी कोई नहीं है गांव में कोई, पता है आप लोगों को मेरी समाज के हो आप जिसने भी करा है, और मुझे पता है ये थोड़ा सा जीनियस होती है वही इंसान करते हैं, तो मतलब कि मैं घर का काम भी पूरा कर रही हूँ और तब जाके मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई डांस वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं करती कि मतलब घर का काम करती हूँ, और फिर सबसे बड़ी बात मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे जमाई बेटी सब खुश है, तो आप लोग कौन होते हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा अपने समाज के होते हुए नहीं होनी चाहिए कि हाँ आंटी जी आप तो इस आंटी हो या बहन हो माँ हो जो भी आपके लगती हो मैं कुछ भी फैलो, तो आपको ऐसा काम अच्छा कर रहे हो, इस एज में आकर रिटायर हो गए, ये रिटायर हो गए इसका मतलब रिटायर हो गए इसका मतलब ये कि हम कुछ काम के नहीं रहे, कुछ खर्च नहीं कर नहीं सकते, घर चला रहे हैं ना, रोटी बना रहे हैं ना, आपकी माँ बहन 50 साल की हो जाएंगी तो क्या वो कुछ काम की नहीं रहेंगी, तो इसलिए ये ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना ये अपने समाज के, ये बहुत गलत लगता है किसी के लिए, मेरे लिए भी नहीं किसी के लिए भी मत करना कि मतलब कि कुछ काम नहीं करना चाहिए इस एज में आकर, ये नहीं करना चाहिए, और जो गलत काम करते हैं वो जो जमाने में कर जाते हैं गलत काम उनको रोको ना, जिस समाज में गलत काम करते हैं उनको रोको, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, डाका डालते हैं और गलत धंधा करते हैं लेडीज, मतलब जिस उम्र में जवानी में जो भी है उन समाज को सुधारो, ऐसा अगर सुधारना ही है आपको तो समाज को सुधारो कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारी जाति मतलब आगे बढ़े, कोई भी कास्ट और कास्ट के नहीं चलेंगे, लेकिन जो हमारे कास्ट के हमको ही दिखा रहे हैं कि मतलब वो नहीं करना, बट आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है लेडीज एक हाउस वाइफ मतलब घर का काम करके भी और एक सोशल मीडिया पे काम कर रही है, मतलब ऐसा कभी सोचा मैंने नहीं सोचा, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे उठाया ऊपर कि हाँ आप कर सकते हो और करो, तो जब मेरे बच्चे मेरे जो मेरे आईएएस मेरे घर में है वो मुझे ऐसे सलाह नहीं दे रहे कि मतलब खुद मेरा जवाई आईएएस है और ये आईएएस की पोस्ट पर सी रिटायर हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी है ये, और मेरा बेटा सीआरपीएफ में है, तो जब मेरे बच्चे ही मुझे कुछ नहीं कह रहे, मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि आपका टाइम पास होगा आराम से आप सोशल मीडिया पे सबसे बातें करो, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इतने अच्छे हैं, मुझे इतनी हौसला दे रहे हैं कि मेरे से बात कर रहे हैं कि मतलब आप बहुत अच्छा कर रही हो तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पर वही है ना कि ना एक मछली सब पानी को गंदा कर देती है, वो वाला हाल है जिसने भी आपने कॉमेंट करा है, तो अपनी ये कॉमेंट को अपने पास रखो और वीडियो अगर नहीं अच्छी लगती है तो मेरे मत देखो कोई जरूरत नहीं है, आपको वीडियो नहीं देखोगे तो मेरी वीडियो बंद नहीं हो जाएंगी, और भगवान की कृपा से किसी ने ये भी कमेंट करा था कि कुछ भी कर लो आपका कुछ नहीं होने वाला, उसी रात को मोनेटाइज हो गया मेरा, भगवान ऊपर है हम नीचे हैं, भगवान मैं हर काम मेरे भगवान के ऊपर छोड़ रखे हैं मैंने, कि उसी रात को मैसेज आ गया था यूट्यूब से कि आपका मोनेटाइज हो गया है, और भगवान की दया से महीने में सब कुछ मतलब आपको पेमेंट भी दिखा दूंगी कि हाँ यूट्यूब की तरफ से क्या आया है, और मुझे पेमेंट की बिल्कुल वो नहीं है मेरे बच्चों की, और मैंने खुद बोल दिया कि मुझे जो मिलेगा भगवान का है, वो मुझे पेमेंट भगवान की दया से ऊपर वाले ने बहुत दे रखी है, बहुत 60-70 हज़ार रुपये पेंशन के घर बैठे खा रहे हैं हम दोनों, और बच्चा अलग से कमा रहा है, वो अपने जिंदगी में मस्त हो रहा है, डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर हुए, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, और लेकिन यह कि हाँ टाइम पास के लिए क्या कई बार ऐसा हो जाता है कि बोर हो रही हूँ, कई बार तबीयत खराब होती है तो ऐसा लगता है कि क्या करूँ, बच्चे चले गए, बीपी लो वगैरह हो जाता है, तो अब क्या होता है कि मोबाइल में लगी रहती हूँ, मोबाइल में किसके कॉमेंट आए हैं, क्या वीडियो बनानी है मुझे, कल कौन सी वीडियो बनानी है, तो उसी में दिमाग फंसा रहता है, ऐसा लगता है कोई टेंशन होती है तो उसको भी मैं भूल जाती हूँ कि कल कौन सी वीडियो बनानी है, कहाँ जाना है, क्या दिखाना है मेरे सब्सक्राइबरों को, सब्सक्राइबर मेरे इंतजार करते हैं कि हाँ आप कौन से ब्लॉग डालेंगी, तो मुझे इतना खुशी होती है कि हाँ हाँ ठीक है आपकी सलाह कि अगर कोई गलत इस एज में आकर कोई गलत वीडियो बनाते हैं वो, तो आप समाज के नाते आपको बोलना चाहिए था कि हाँ भाई ये गलत है ये नहीं करना चाहिए, पूरे समाज की नाक कटती है अगर कोई गलत काम करता है, लेकिन जो अच्छे गृहिणी दिखा रही है घर का सारा उसमें आप बोलते हो कि आपको घर बैठ जाना चाहिए, तो घर आपको बैठ जाना चाहिए जिसने भी करा कमेंट, क्योंकि आपके और अगर 50 साल की एज में 55 साल की एज में अगर घर बैठ जाते हैं ना तो फिर तो आपको बैठना चाहिए, मुझे नहीं, मेरी 55 साल की उम्र होगी, हाँ मैं बोल रही हूँ मैं 55 साल की एज होगी, लेकिन मैं नहीं मानती, जब तक मैं अपने हौसला है मुझे तुम्हारे बराबर खड़ा करके काम करवा लो मेरे से जो करना है, तो जो लोग करते हैं ना जीलस की वजह से कि समाज को बढ़ने देते हैं, समाज की लेडीजों को बढ़ने देते हैं, वो ऐसे लोग ही होते हैं, ऐसे लोग समाज को बदनाम करते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, तो इसलिए मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने मुझे आगे पहुंचाया है
वही पहुंचाते रहेंगे। और आप जैसे लोग ना, आप जैसे लोग ही पीछे पछाड़ते हैं लेडीजों को, तो आप जैसे लोगों को ना ऊपर नीचे कहीं भी जगह नहीं होती, समझे? तो ऐसे इसलिए आज के बाद ऐसे कभी कमेंट करने की हिम्मत मत करना कुछ भी। तो मैं, मेरे घर में सब खुश हैं और मेरे घर में इतनी खुशी हो रही है, मोनोटाइज हो गया मेरा, इतनी खुशी हो रही है, सब खुश हो रहे हैं। और जलने वाले लोग तो ऐसे जलते रहते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मतलब परिवार में भी, घर में भी, रिश्तेदारी में भी जलने वाले हर जगह होते हैं, पड़ोस में भी, सब जगह होते हैं। लेकिन ये कि हाँ, कोई ऐसा करते हैं कि हाँ कोई ऐसा वो नहीं करना चाहिए, वीडियो नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए भाई वीडियो? हम आराम से बना रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारी छत पे बैठे हैं दोनों, तो किसी का क्या कर रहे हैं? अपने घर छत के पे बैठे हैं ना, कोई गलत मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को कि जो मतलब इतने जलते हो, आपकी कुछ नहीं होने वाला आपका। देखियो, भगवान ने उसी दिन सुन ली कि मतलब उसी दिन मोनेटाइज करवा दी ऊपर वाले ने। और मोनेटाइज की बात ऐसी है कि मैंने ये सोच के कराई नहीं, मैं अभी अपनी छत पे बैठी हूँ, मैंने ये सोच के कराई नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा या कुछ। मुझे उस टाइम तो पता भी नहीं होता था, सच बता रही हूँ, घर में से ही नहीं फुर्सत मिलती थी कि मुझे कुछ मिलेगा। मुझे ये पता था यूट्यूब की तरफ से पैसे भी मिलते हैं, बिल्कुल नहीं पता था। और लेकिन मुझे तो ये लगा था कि हाँ मैं वीडियो में खुश रहूंगी और लोग देख रहे हैं, और किसी की सब्जी जो कोई कुछ कुकिंग का काम करते हैं तो मैं भी बनाने लग गई, मेरी भी सब्जियाँ लोग तारीफ करते थे कि हाँ आपकी सब्जी अच्छी लगती है, तो मुझे तो उसी में बहुत खुशी मिलती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि भी यूट्यूब की तरह से पेमेंट भी मिलती है, तो इसमें तो और भी अच्छा है। ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा, तो क्यों जोड़ी पसार का लेना चाहिए ना, मेहनत कर रहे हैं ना। अगर आप, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो आप मुझे यूट्यूब कहाँ से दे देगा? यूट्यूब मुझे जानता कहाँ था कि मैं कौन हूँ, किस गांव में पड़ी हूँ, कहाँ जानता था? आपको वही जान रहा, आप कहाँ पड़े हो, इसलिए कुछ कर रहे हैं तो ये आज मुझे जान रही है दुनिया। और विदेशों से भी कमेंट आ रहे हैं, कमेंट पढ़ के देख लेना एक बार मेरा, अगर पढ़ना आता हो तो आप पे, कि मैं क्या मतलब कैसे कमेंट आ रहे हैं मेरे लिए। आपके अलावा किसी ने, एक दो ही ऐसे जलने वाले जो ऐसे कर देते हैं, तो विदेशों भी कमेंट आ रहे हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे करे हो गृहिणी होते हुए, और बच्चों की शादी ब्याह कर दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप टाइम निकाल कर ऐसी वीडियो बना रहे हो, अच्छा लगता है बहुत। कॉमेंट पढ़ लेना एक बार। तो इसलिए मैं बैठी हूँ आप लोगों के जवाब देने के लिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर है उसके तह दिल से धन्यवाद कि आप मेरे को, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मेरे से जो गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और मैं मिलूंगा आपसे कल के ब्लॉग में।